हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ईयर एंड पर की जाती है। ज़्यादातर केसों में ईयर एंड पर करने का रीज़न क्या है इसका? मेनली जो किसी भी प्रकार के जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट इन द सेंस, मान लीजिए कोई एक्सपेंसेज है जो करंट ईयर में हमने पे कर दिया और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई प्रीपेड एक्सपेंसेज है कि नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेज, इस साल में अपन ने पेमेंट कर दिया। अगर एज इट इज हम बैलेंस शीट P&L अकाउंट बना लेंगे, फाइनल अकाउंट बना लेंगे, तो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। रीजन किया तो इस साल से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज है वो अपन ने डाले नहीं है, या फिर नेक्स्ट ईयर के जो एक्सपेंसेज है वो इस साल में डल जाएंगे, तो वो क्लियर उसके अंदर कोई पोजीशन अपने को पता नहीं चलेगी। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज ईयर एंड पर की जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो फाइनल अकाउंट है वो बनाते टाइम करते हैं। इसका वैसे डिटेल से डिस्कशन है वो तो जो फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है उसके अंदर हम करेंगे, लेकिन जो बेसिक जो इसका नॉलेज है वो हमें यहाँ लेना जरूरी है, ताकि थोड़ा सा अपना और जो थिंकिंग या जो अंडरस्टैंडिंग का जो स्कोप है और थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए इसके अंदर। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, दीज एंट्रीज आर डन टू शो द फेयर ए ट्रू एंड फेयर पोजिशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट इन द बिजनेस। वी विल डिस्कस ये फाइनल अकाउंट के टाइम करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ से आता है बिजनेस के अंदर? इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? पूरे साल में हम क्या करते हैं, गुड्स है वो पहले परचेज करते हैं, उसके बाद उसको सेल करते रहते हैं। जैसे जैसे परचेज होता है अपने स्टॉक के अंदर वो प्लस होता रहता है, और जैसे जैसे वो उसको सेल करते हैं वो उसमें से माइनस यानी रिड्यूस होता रहता है। उस अल्टीमेटली क्या होता है, ईयर एंड के ऊपर जो स्टॉक है वो सारा 100% तो अपना सेल हो नहीं पाता है यहाँ पर बिजनेस के अंदर। तो कुछ पोर्शन होता है वो बच जाता है, मान लीजिए इतना पोर्शन है वही सेल हुआ और ये पोर्शन है वो क्लोजिंग स्टॉक का बच गया, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बुक एंट्री से तो हमें पता नहीं चलेगा। स्टॉक आइटम, अगर आइटम वाइज हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो उस पोजीशन में पता चल जाएगा, लेकिन फिजिकल स्टॉक से उसको वेरीफाई करना जरूरी होता है। फिजिकल स्टॉक से इन द सेंस कि जब ईयर एंड पर हम बुक्स बनाते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास स्टॉक कितने हैं। स्टॉक कितने हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारी शॉप के अंदर ये जो अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम, डी आइटम, कितनी क्वांटिटी है, 4 पीस है, पर पीस 10 रुपीज़, 50 पीस है, पर पीस 100 रुपीज़, 500 पीस है, पर पीस 2 रुपीज़। फिर इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 400 इसका हुआ, 500 इसका हुआ, सपोज 5000 इसका हुआ और 1000 इसका हुआ। इस टाइप से एक लिस्ट बना लेते हैं स्टॉक की, टोटल उसका कर लेते हैं, मान लीजिए उसका 10000 हुआ, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अच्छा, ये जो वैल्यू जो लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? पर यूनिट की जो वैल्यू लेते हैं स्टॉक की वो लेते हैं, या तो कॉस्ट, यानी कॉस्ट का मतलब जो परचेज करते हैं वो प्राइस लेंगे, या मार्केट प्राइस, वो कितने में सेल हो पाएगी आज, रियलाइजेबल वैल्यू जिसको बोलेंगे। इन दोनों के अंदर जो कम होगा उसके ऊपर हम स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। तो ये स्टॉक है, इस टाइप से लेते हैं, एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब इसको बुक्स में लेने का क्या, इसके लिए एक एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री कैसे करेंगे? स्टॉक होता है वो कहाँ क्या होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, ये बैलेंस शीट के अंदर जाता है एसेट साइड में। ये मैंने जो बेसिक जो चैप्टर है, बेसिक एलिमेंट्स, वहां पर मैंने पूरा ये एक्सप्लेन किया है। तो ये स्टॉक है जो एसेट्स का आइटम है। तो क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अकाउंट, इसको डेबिट कर देंगे। तो
टू क्लोजिंग स्टॉक, एक तो बैलेंस शीट में जाता है, उसके अलावा और कहाँ जाता है? ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट 10,000, ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। इसी एंट्री से क्या होगा, स्टॉक का वो बुक्स में आ गया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनल अकाउंट वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, वो पूरा डिटेल से मैंने आपको बता रखे हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब इस साल के जो एक्सपेंसेस हैं, लेकिन 31 मार्च जब हम ईयर एंड होते हैं उस डेट तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, अभी तक नॉट पेड, अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो उसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट में हम लाइबिलिटी अपनी क्रिएट कर लेंगे और करंट ईयर के जो एक्सपेंसेज है उसको बुक कर लेंगे। सपोज हमने सैलरी है, जो मार्च की सैलरी है, मार्च की सैलरी हमारी 2 लाख रुपीज है, इसका हम मार्च में पेमेंट नहीं करके अप्रैल में पेमेंट करेंगे, तो इसकी एंट्री कैसे, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट या स्टाफ सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउट स्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 2 लाख रुपीज, इस टाइप से एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर तो हमारी सैलरी बुक हो जाएगी, जो और सैलरी है उसमें 2 लाख और ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, और बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटी बुक हो जाएंगी। बैलेंस शीट के अंदर उसमें लाइबिलिटी क्यों बुक हो जाएगी, क्योंकि ये हमें अप्रैल में पे करना है, तो ये लाइबिलिटी साइड के अंदर आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस टाइप से उसको शो कर देंगे। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होते हैं, जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज हैं वो करंट ईयर में हम पे कर देते हैं। सैलरी का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए कोई स्टाफ है हमारा, उसको एडवांस सैलरी की जरूरत थी, वो पैसे लेकर चला गया, तो 3 महीने का या 6 महीने का उसने एडवांस ले लिया, तो हमने एंट्री क्या करी, जब उसको पेमेंट किया उस टाइम हमने बुक्स के अंदर एंट्री करी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मार्च के अंदर हमने सपोज आगे 5 महीने की एडवांस दे दी, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 5 मंथ हो गए, 10,000 पर मंथ सैलरी है, तो 50,000 हमने उस टाइम उसका पेमेंट करते टाइम एंट्री कर दी। बाद में पता चला कि ये तो नेक्स्ट ईयर की सैलरी भी है, इसमें एडवांस सैलरी गई हुई है, तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या करेंगे, ये तो पेमेंट करते टाइम हमने एंट्री कर दी, अब एडजस्टमेंट एंट्री में प्रीपेड है, ये प्रीपेड सैलरी है, उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इस साल से रिलेटेड है जो सैलरी है उसको डेबिट कर दिया 50,000 से, जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, इस साल में कर दिया हमने डेबिट, तो ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब सैलरी डेबिट की है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, फिर डेबिट किसको करेंगे, वो करेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट। अगर रेंट होता है तो रेंट कर देते, सैलरी है तो सैलरी कर रहे हैं, जो भी रिस्पेक्टिव हेड है उसी को हम डेबिट कर देंगे, यहाँ सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट 50,000 टू सैलरी अकाउंट 50,000, ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। इसका इफेक्ट क्या आएगा, जो प्रीपेड सैलरी है वो कहाँ जाएगी, ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, डेबिट साइड है, डेबिट हमेशा एसेट्स होती है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में जाएगी, ये अपनी एसेट साइड है, इसमें प्रीपेड सैलरी, एडवांस सैलरी, प्रीपेड सैलरी कुछ भी कह सकते हैं इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बाकी
नाम कुछ भी हो उसका, बेसिक फंडा आप समझ गए, इसके इसके जो प्रिंसिपल है उसका लॉजिक समझ गए, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी लाइफ में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्रूड इनकम या इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम और इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम कौन सी होती है? ऐसी इनकम जो अर्न कर ली गई है इस साल के अंदर लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है, उस इनकम का भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी इनकम है, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट करा रखा है हमने बैंक के अंदर, फिक्स डिपॉजिट कब कराया? 1/10/2020 इसका फिक्स डिपॉजिट करा रखा है 1 साल के लिए। ये मैच्योर कब होगी? 30/9, एक दिन पहले, 30/9/2021 इस डेट को ये मैच्योर हो जाएगी। तो टोटल इसका जो इंटरेस्ट है, सपोज हमें 10,000 मिलना है, 10,000 इंटरेस्ट मिलना है उस पूरे पीरियड के लिए, टोटल कितना हमें 10,000 इंटरेस्ट मिला है। हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो कब तक का बना रहे हैं? 31 मार्च का, 2021 इस डेट का बना रहे हैं। आप देखिए अक्टूबर से लेकर जब सितंबर तक कैलकुलेट करेंगे तो अक्टूबर से मार्च तक का जो 6 मंथ का पीरियड है वो इस साल में पड़ेगा, और 6 मंथ का जो पीरियड है अप्रैल टू सितंबर वो नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा। तो 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो इस साल में आना चाहिए, इस साल से रिलेटेड है, और 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। लेकिन बैंक है वो कब देगा हमें? वो देगा जब FD मैच्योर हो जाएगी, 31 सितंबर 2021 को देगा। तो कितना देगा? 10,000। तो एक्चुअल में तो हमें मिलेगा उस डेट को, लेकिन जो अर्न हुआ है वो कब हुआ? 6 महीने का यहाँ पर हुआ है, इस साल से रिलेटेड इनकम है, और 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इसकी एंट्री करेंगे हम, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? 10,000 का 5,000 इस साल से हुआ, इस साल का कैलकुलेट कर लिया है कि कितना इस साल में आएगा, 50% के 6-6 महीने कवर हो रहे हैं दोनों साल के अंदर, 5,000 है वो इस साल का, 5,000 नेक्स्ट ईयर का। तो ये 5,000 की जो इनकम है इंटरेस्ट की वो इस साल में बुक कर लेंगे, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। वो कैसे कैसे करेंगे? इनकम होती है वो क्या हो जाती है? क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट होता है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर दिया है कितने से? 5,000 से। डेबिट क्या होगा? एक्चुअल में तो हमें कुछ मिला ही नहीं है, तो हम एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे इस नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, इसको डेबिट कर दिया हमने 5,000 से, ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। ये एक्रूड इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है वो तो आपका P&L में चला जाएगा, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट है वो कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर। ये बैलेंस शीट जो बनेगी, ये एसेट्स है, क्यों? आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा वो, तो उसके अंदर आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड 5,000 रुपीज, ये इसका एडजस्टमेंट होगा। तो इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जो एडजस्टमेंट उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। ये क्या होती है? ऐसी इनकम जो एडवांस में मिल गई। एडवांस में कैसे मिल जाती है? सपोज आपका 31 मार्च 2021 इस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, हमारा ये ईयर एंड, हमारी कोई शॉप है हमने रेंट पर दे रखी है किसी को, या हमारा ऑफिस है और किसी को हमने रेंट पर दे रखे हैं, 10,000 पर मंथ उसका रेंट है। हम क्या कर रहे हैं कि 30 दिसंबर 2020 को क्या कर रहे हैं हम जो हमारा टेनेंट है उसको कहते हैं कि मेरे को 6 महीने का आप एडवांस रेंट दे दीजिए, 6 महीने का एडवांस रेंट दे दीजिए।
तो वो क्या करेगा, हमें 31 दिसंबर को पे कर रहे हैं, इट मीन्स कि जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये 6 महीने हो गए। 6 महीने इसका हमें उसने 10,000 के हिसाब से टोटल 60,000 पेमेंट कर दिया। कब किया पेमेंट? 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को, मान लीजिए आप। अब देखिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो कहाँ बना रहे हैं? इस डेट के ऊपर बना रहे हैं, ये ब्रेकअप है। तो 3 मंथ का तो ये इस साल से रिलेटेड है, और 3 मंथ का है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो 30,000 तो यहाँ आ गए और 30,000 यहाँ पर आ गया नेक्स्ट ईयर में। तो अब हमें करना क्या है कि जो ट्रू एंड फेयर अपने को पोजीशन देखनी है बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो हमें करना क्या होगा, केवल इस साल से जो रिलेटेड है, इस ईयर से रिलेटेड है, वही एक्सपेंसेस या इनकम हम शो करेंगे। जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस है उसको यहाँ से उसका इफेक्ट हटा देंगे। जब हमें ये रेंट मिला 60,000, उस टाइम अकाउंटेंट ने जो एंट्री करी बुक्स के अंदर, वो क्या कर दी कि उसको तो पता नहीं था कि एक्चुअल में क्या बात हुई है ओनर से, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 60,000 टू रेंट अकाउंट। ये हमारा ऑफिस है, हमने रेंट पर दे रखा है किसी और को, हमने ले नहीं रखा है, ये एक्सपेंसेस नहीं है, इनकम है। तो उस टाइम हमारी है ये एंट्री कर दी अकाउंटेंट ने। अब इसका एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो 30,000 है उस उतनी इनकम हमें यहाँ से कम करनी है। कैसे करेंगे? रेंट है उसको क्रेडिट करके हमने इनकम बुक कर ली, तो अब इसको डेबिट कर देंगे जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। एंट्री क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000 टू क्या करेंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करेंगे या अन अर्न इनकम। तो इनकम क्या है? रेंट है, तो क्या लिखेंगे? अन अर्न रेंट 30,000, ये एंट्री करेंगे। इसका इफेक्ट क्या आएगा बैलेंस शीट के अंदर? ये बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में आएगा। रीजन ये देखो, क्रेडिट बैलेंस है, ये हमारी लाइबिलिटी है। किस डेट के अंदर? 31 मार्च को। अगर वो 31 मार्च को मान लो वो खाली कर देता है अपना ऑफिस या शॉप, वो छोड़कर चला जाता है, तो हमें पे करना पड़ेगा 31 मार्च को 30,000 है जो। तो ये हमारी इस पर्टिकुलर डेट को लाइबिलिटी है। तो अन अर्न रेंट 30,000, इसका ये इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको पिछले मेरे वीडियो के अंदर, जो बेसिक टर्म्स है उसके अंदर। डेप्रिसिएशन का मतलब जो एसेट्स हमने परचेज करी है पूरे साल में, हम उसको यूज में ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू डाउन होती रहती है मार्केट में, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन की भी एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री में आते हैं। डेप्रिसिएशन जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स मान लीजिए 1 लाख रुपीज की है, 10% हम कहते हैं कि एवरी ईयर 10% उसमें से डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, और आफ्टर 10 ईयर्स हमारी जो एसेट्स है उसकी जो वैल्यू है वो नील रह जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 10 ईयर इसकी लाइफ है। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर 10,000 रुपीज। जो डेप्रिसिएशन की रेट्स है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको रेट को वहां से पिक करते हैं। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 10% डेप्रिसिएशन। अब इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एवरी ईयर इसको बुक करेंगे 10,000 को एज एक्सपेंसेज। तो बुक कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो आपकी एसेट्स है, क्या मान लीजिए मैंने फर्नीचर पर लगाए हैं, फर्नीचर अकाउंट। अगर ये मशीनरी होती तो
तो मशीन दिया जाती, फर्नीचर है तो फर्नीचर ले लिया मैंने 10,000, इस टाइप से एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब इसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, देखिए जो पी एंड एल अकाउंट है उसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज में आ जाएगा 10,000 रुपीज, और बैलेंस शीट के अंदर इसको कैसे शो करेंगे, आपका फर्नीचर कितने का था, 1,00,000 रुपीज लेस डेप्रिसिएशन कितना 10,000, आपकी एसेट्स कितनी रह गई अब 90,000 की। इस टाइप से बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम शो करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हुई आपकी डेप्रिसिएशन की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जो ओनर है जो बिजनेस का, वो कैपिटल लगाता है बिजनेस के अंदर, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। मान लीजिए 10,00,000 रुपीज बिजनेस के अंदर लगा रखे हैं, इन्वेस्ट किए, इंट्रोड्यूस किए कैपिटल, उसके ऊपर वो 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना चाहेगा कैपिटल के ऊपर। रीजन कि कैपिटल जो ओनर है वो डिफरेंट है, डिफरेंट एंटिटी होती है, और बिजनेस है वो डिफरेंट एंटिटी होती है, दोनों डिफरेंट होता है, इस वजह से वो चार्ज करता है 8%। कितना हुआ, 10,00,000 का 8% 80,000, तो 80,000 वो एवरी ईयर बिजनेस से चार्ज करेगा कि मेरा ये भी एक्सपेंसेज है। अगर मैं 10,00,000 मार्केट से लेकर आता है तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ता, या मैं बिजनेस नहीं करता 10,00,000 की एफडी करवा देता तो 80,000 मेरे को मिलता, तो एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस मैं इसको मानूंगा और इसका इंटरेस्ट है इसका एडजस्टमेंट करूंगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना 80,000, एक्सपेंसेज है टू क्रेडिट, किसको करेंगे क्रेडिट करेंगे कैपिटल को, एक्चुअल में कैश नहीं लेकर जा रहा कैपिटल अकाउंट, ओनर है वो कैश लेके नहीं जा रहा, बैंक से नहीं ले जा रहे, तो क्या होगा उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप से इसको एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। इसका इफेक्ट क्या आएगा बैलेंस शीट के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस टाइप से इसको दिखा देंगे 80,000 पी एंड एल अकाउंट में ये एंट्री है, और बैलेंस शीट के अंदर क्या एंट्री करेंगे, लाइबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल होगी हमारी 10,00,000 रुपीज एड इंटरेस्ट 80,000, तो हमारी जो कैपिटल अब कितनी हो गई 10,80,000। इस टाइप से इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट में। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। जब आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ड्रॉइंग पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं यानी बिजनेस में एक्सपेंसेज एक्सपेंसेज में दिखाएंगे, जब ड्रॉइंग करेंगे तो उस कंडीशन में बिजनेस के अंदर क्या करेंगे, इसको इनकम बुक करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगी कैसे, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसका ड्रॉइंग क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया पिछले वीडियो में, जो बेसिक टर्म्स है उसमें पूरा डिटेल से मैंने इसको दिखाया। अगर डिटेल से आप मेरे टर्म्स वगैरह या वीडियो देखना चाहें तो इंडिविजुअल मैंने सबके वीडियो बना रखे हैं, आप उसके ऊपर जाइए, वहाँ पर डिटेल से आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है। अब ड्रॉइंग्स होती है बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, अगर उसको पैसे की जरूरत होती है तो वो बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है कुछ अमाउंट, वो ड्रॉइंग होती है। सपोज एक बिजनेसमैन है, उसने 10,00,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं, अब ड्यूरिंग द ईयर उसको क्या हुआ, कोई अर्जेंट नीड के लिए उसने 2,00,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए कि मेरे को 2,00,000 की जरूरत है, मैं 6 महीने बाद वापस लगा दूंगा या 1 साल बाद इसको इन्वेस्ट कर दूंगा, तो इसकी कैपिटल तो 10,00,000 है, उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज किया होगा। अब 2,00,000 उसने विड्रॉ कर लिया, तो जब विड्रॉ होगा बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा तो उस कंडीशन में प्रोप्राइटर है या पार्टनर है बिजनेस का, वो बिजनेस को पे करेगा इसका इंटरेस्ट,
2 लाख उसने विड्रॉ कर लिए, बिजनेस के पैसे थे उसके तो नहीं थे, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% से, 1 साल के लिए सपोज उसने काम में लिया तो 8% से उसका 16,000 हुआ। तो 16,000 है वो अपनी पर्सनल जो इनकम है, पर्सनल जो पैसा है उससे बिजनेस को देगा और बिजनेस की वो इनकम होगी। तो एंट्री क्या होगी इसमें, जो ओनर्स की जो कैपिटल है उसको तो डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसे कैपिटल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 16,000 से, ये एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री होगी इसकी। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमने। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, पहले P&L अकाउंट, उसमें इनकम साइड में हम शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 16,000 और जो कैपिटल है उसमें से उतना अमाउंट रिड्यूस कर देंगे। उसका टोटल कैपिटल कितनी थी इसकी, 10 लाख माइनस 2 लाख वो विड्रॉ कर लिया, 8 लाख, 8 लाख में से 16,000 और उसका विड्रॉ हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट 8 लाख लेस 16,000 7,84,000 ये आएगा। इस टाइप से इसको बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। तो ये मैंने कुछ एडजस्टमेंट एंट्री किए, इसके अंदर आपका कुछ क्लियर हुआ होगा फंडा है जो। अभी भी अगर कोई आपको कोई इसके अंदर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है या कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है और इसका डिटेल में आप चाहते हो तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं और उसका क्लियर कर दूंगा। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो या कोई क्वेश्चन है जो आपको डाउट है उसके अंदर तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप उसको देखिए, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए फटाफट इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।